आमाल सालेह की तौफीक जिसको मिल जाए, जो बंदा बाजमात नमाज पढ़ता है या नेकी के काम करता है या गरीबों को खाना खिलाता है, बेसहारों का सहारा बनता है, मस्जिद बनाता है, मदरसा बनवाता है, दीन के काम पे खर्च करता है, तो जिसको अल्लाह ने नेकी की तौफीक अदा फरमाई वो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिस बंदे को माँ बाप की खिदमत की तौफीक मिल गई वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर क्या नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया, मुझे माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब हो गई। हदीस मुबारका में आता है, जिस बंदे ने अपनी माँ या बाप के चेहरे पर मोहब्बत की एक नज़र डाली, हर नज़र के डालने पर अल्लाह उसको एक हज या एक उम्र का सवाब अता फरमाते हैं। एक साहबी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बार बार देखे, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया जो बार बार देखेगा अल्लाह उसको बार बार हज या उम्र का सवाब अता फरमाएगा। अब आप बताइए कि जिन हस्तियों के चेहरे को देखने पर हज या उम्र का सवाब मिलता है उनकी खिदमत तो हमारी सआदत है ना। अल्लाह का एहसान मानिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। उनसे पूछो जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, आज वो उनका खिदमत करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है। हमारे रिश्तेदार मिसालें देते थे कि शायद दुनिया में किसी ने माँ बाप की ऐसी खिदमत न की हो जैसी इस बच्चे ने की है, और वाकई में बहुत खिदमत करता था। हजारों लाखों में कोई होगा जिसने माँ बाप की इतनी खिदमत की होगी, और मुझे उसके बदले वालदा दुआएं देती थी, और ये वालदा की ही दुआएं हैं जो अल्लाह ने आज मुझे दुनिया में ये इज्जत दी हुई है, वरना मैं इस काबिल तो नहीं था। मगर अब मेरा दिल चाहता है कि अगर इस वक्त मेरी वालदा जिंदा होती तो मैं उनकी खिदमत करके अपने दिल को खुश कर लेता। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। जब बच्चे माँ बाप की खिदमत के काबिल होते हैं तो माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं तो वो उनकी खिदमत करे और इसको अल्लाह का एहसान माने। अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।